आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अलग और मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटर की सेव, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही कम सामान यूज़ करेंगे, ताकि आप आसानी से इसे घर पर ट्राई कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। चलिए बनाते हैं मटर की सेव। मटर की सेव बनाने के लिए हमें लेना है ताज़ा हरा मटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से धो लेनी है। फिर हमें मिक्सी में इनको पीस कर इसका एकदम पेस्ट बना लेना है, जिस तरह हम चटनी बनाते हैं। बिल्कुल फाइन, बिल्कुल भी दानेदार नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि इसके अंदर अगर हम दाना रखेंगे तो जब सेव बनाएंगे तो सेव मेकर में वो अड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह का पेस्ट हमें बनाना है। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो जितना बेसन। हमने आधा किलो बेसन लिया है और 150 ग्राम मटर के दाने लिए हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार आप नमक लें। और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून जितना, और थोड़ा डालेंगे अजवाइन आधा चम्मच जितना। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सिर्फ 2 या 3 पिंच जितना डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल कोई आप रिफाइंड ऑयल वगैरह ले लें, कोई स्ट्रांग फ्लेवर वाला ऑयल ना लें। अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने धनिया और मटर का जो पेस्ट बनाया था वो। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो हमें लगाना है। आटा हमने लगा लिया है और आप देख सकते हैं आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया है। अगर आप चाहते हैं सेव जो है एकदम सॉफ्ट बने, बिल्कुल मार्केट जैसी बने, तो इसके लिए ज़रूरी है आटा एकदम सॉफ्ट लगाएं। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी सेव बनाएंगे। तो सेव बनाने के लिए आप इस तरह का सेव मेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आप मोटी या फिर बारीक दोनों तरह की सेव निकाल सकते हैं। और इस तरह की बारीक सेव निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो मटर और धनिया पीसे वो एकदम बारीक पीसे, नहीं तो सेव जब हम तलेंगे तो जाली के अंदर फंस जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपके पास सेव मेकर नहीं है तो इस तरह का आप जारा लें, उसके ऊपर आटा लगाकर इस तरह से रब करें डायरेक्ट ऑयल के ऊपर, तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा और बहुत आसानी से सेव बन जाएगी। तो हम आटा जो है सेव मेकर के अंदर डाल देते हैं और सेव बना लेते हैं। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। सेव तलने के लिए किसी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें, कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल ना लें, नहीं तो फिर सेव में उसका टेस्ट आता है। तो सबसे पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे आटा डालकर, और आप देख सकते हैं आटा डालते ही ऑयल के ऊपर आ रहा है, टेम्परेचर एकदम सही है। अब हम सेव तल लेंगे। तो बहुत ध्यान से आप ये काम करें, ऑयल बहुत गर्म होता है। इस तरह से हम सारी सेव बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पर मोटी वाली सेव बनाई है। गैस के आंच जो है यहाँ पर हम तेज़ी रखेंगे और बीच में 2 से 3 बार इसको पलट पलट कर सेव को कुक कर लेंगे। सेव एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सेव बनकर तैयार हो गई है। अब जिनके पास सेव मेकर नहीं है वो इस तरह से जारा लेकर भी सेव बना सकते हैं। उस पर डालेंगे आटा चम्मच से, या फिर हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है उससे इस तरह से दबाते हुए सेव निकाल लेंगे, और बहुत ही आसानी से और आराम से सेव बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से गैस की आंच जो है मीडियम टू हाई रखेंगे और बीच में हिलाते हुए इसको सेव को तल लेंगे, और आप देख सकते हैं इस तरह से सेव बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। मटर की एकदम मसालेदार और बढ़िया सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इस तरह से इसको बारीक बना लें, या फिर इस तरह से मोटी, या फिर इस तरह से जारे के साथ भी बना सकते हैं जिनके पास सेव मेकर नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बहुत आराम से बन गई है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, ट्राई करें रेसिपी को। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें कांताज रेसिपी को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।